Hello students, how are you? Students, in previous video I have explained the lesson the great train journey and till page number 48, and last line was that he plunked his hand into the straw and pulled out an apple, jisme maine bataya tha ki suraj kaise luggage wali train mein chadh jata hai aur usko fir wo train उसको जानने की कोशिश करता है किसमें क्या रखा हुआ है, और वो तब तक ट्रेन चल देती है और उसको वहाँ पे क्रेट्स वगैरह रखे रहते हैं जिसमें वो एप्पल रखा है, और उस एप्पल को हाथ डाल के एप्पल निकालता है। तो आई होप यू हैव गॉट द लाइन। सो ऑल ऑफ यू कम ऑन पेज नंबर 48 एंड पुट योर फिंगर हियर। इट वॉज अ डार्क ruby red apple and it lay in the dusty palm of Suraj's hands like some gigantic precious stone. It was a dark yani ki bahut matlab gehra ruby red apple yani ki khub gehra lal rang ka apple uske haath mein tha, and it lay in the dusty palm of Suraj's hands like some jaise uske Suraj ke dusty yani ki thoda dhool bhare haath mein jo uske hatheli mein wo एप्पल था वो ऐसे लग रहा था जैसे कि कोई भी बहुत बहुमूल्य पत्थर या फिर कोई भी जो धातु होती है उसको मिल गया है। स्मूथ एंड राउंड एंड ग्लोइंग इन द सनलाइट। स्मूथ यानी कि सॉफ्ट, यानी कि थोड़ा उसका जो सरफेस होता है स्मूथ होता है, सॉफ्ट था, एंड राउंड गोल एंड ग्लोइंग यानी कि चमकदार इन द सनलाइट यानी कि सूरज की रोशनी में एकदम वो स्मूथ था, गोल और चमकदार था। सूरज लुकड अप आउट ऑफ द डोरवे। सूरज लुकड अप यानी कि उसने देखा, आउट ऑफ द डोरवे यानी कि दरवाजे से बाहर, एंड थॉट और उसने सोचा, ही वॉज अ ट्री वॉकिंग पास एंड ही सा अ ट्री वॉकिंग पास द ट्रेन, और उसने देखा कि जो वहाँ पे पेड़ वगैरह है वो वॉकिंग पास यानी कि वो चल रहे हैं, वह उसको छोड़ते जा रहे हैं, पीछे छोड़ते जा रहे हैं। He dropped the apple and stared. उसके उसने एप्पल को गिरा दिया यानी कि गिर गया उसके हाथ से और वो घूरने लगा। There was another tree. उसके बाद फिर एक पेड़ आया, and another. उसके बाद फिर दूसरा पेड़, and all walking past the door. और वो सारे पेड़ उस दरवाजे से पास करते हुए जा रहे थे, and increasing rapidly. और वो बहुत तेज़ी से भागने लगे। सूरज स्टेप फॉरवर्ड यानी कि सूरज थोड़ा आगे आया, बट लॉस्ट हिज बैलेंस और अपना उसका बैलेंस यानी कि उसका संतुलन जो था वो बिगड़ गया, वो संतुलन खो दिया। एंड फेल ऑन हिज हैंड्स एंड नीज और वो अपने पैरों के बल यानी कि घुटनों के बल वहाँ गिर गया। द फ्लोर बिनिथ ही वॉज वाइब्रेटिंग। द फ्लोर बिनिथ यानी कि जिस जहाँ वो गिरा था, जो उसका फ्लोर था यानी कि फर्श था उसके नीचे, हिम वॉज वाइब्रेटिंग है वो फर्श उसके लिए क्या कर रहा था, वाइब्रेट कर रहा था, कंपकंपा रहा था। द व्हील्स आर क्लैटरिंग ऑन द रेल्स और जो व्हील से यानी कि जो रेल के पहिए थे क्लैटरिंग यानी कि शोर मचा रहे थे ऑन द रेल यानी कि लाइन पे। द कैरिज वॉज स्विंग और कैरिज जो था जो मालगाड़ी का डिब्बा था झूले जैसा कुछ झूल रहा था। द ट्रीज वॉर रनिंग नाउ अब जो पेड़ थे वो दौड़ रहे थे। स्वीपिंग फास्ट द ट्रेन और ट्रेन्स को पीछे मतलब जैसे लग रहा था कि ट्रेन का पीछा कर रहे हैं। एंड द टेलीग्राफ पोल्स ज्वाइन देम इन द क्रेजी रेस और जो टेलीग्राफ पोल्स थे यानी कि जो फोन वगैरह के जो पोल थे, खंबे थे, वो भी लग रहा था कि उनके उन पेड़ों की दौड़ में, उस रेस में, उस दौड़ में वो भी पागलों की तरह एकदम लगे हुए थे, दौड़ रहे थे। क्रॉचिंग ऑन हिज हैंड एंड नीज वो अपने पैरों को मोड़ते हुए और अपने कुहनी को मोड़ते हुए, सूरज स्टेयर्ड आउट द ओपन डोर उसने सूरज ने स्टेयर्ड मतलब घूरना आउट ऑफ द ओपन डोर यानी कि खुले दरवाजे से उसने घूरा, एंड रियलाइज और महसूस किया दैट द ट्रेन वॉज मूविंग और उसको ये महसूस हुआ कि जो ट्रेन है वो चल रही थी, मूविंग फास्ट यानी कि बहुत तेज़ चल रही थी, मूविंग अवे फ्रॉम हिज होम उसके घर से दूर जा रही थी, एंड पफिंग इन टू द अननोन और उसको दूसरी अननोन यानी कि अनजान जगह पे उसे ले जा रही थी। ही क्रैप्ट कॉशियसली टू द डोर वो थोड़ा सा क्रैप्ट मतलब पैरों के बल जैसे रेंग के जाना,
कॉशसली यानी कि सावधानी से वह डोर की तरफ दरवाजे की तरफ गया एंड लुक्ड आउट और बाहर देखा। द ग्राउंड सीम टू रश, जमीन जो दिखी उसको वह जैसे लग रहा था कि वो दौड़ रहा है अवे फ्रॉम द व्हील यानी कि जो ट्रेन का पहिया था उससे जमीन भाग रही थी। ही कुड नॉट जम्प, वह कूद नहीं सकता था। वॉज देयर, ही वंडर्ड, क्या हो रहा था, ही वंडर्ड, उसको बहुत आश्चर्य था। एनी वे ऑफ स्टॉपिंग द ट्रेन, उसको कोई भी बात मतलब कोई भी तरीका समझ में नहीं आ रहा था कि ट्रेन को कैसे रोका जा सकता है। ही लुक्ड अराउंड द कंपार्टमेंट, वह कंपार्टमेंट चारों तरफ देखता है, कंपार्टमेंट यानी कि वो डिब्बे में चारों तरफ देखता है। अगेन ओनली क्रेट्स ऑफ एप्पल, सिर्फ वहाँ पे क्या थे, क्रेट्स ऑफ एप्पल यानी कि जो एप्पल के जो क्रेट्स थे यानी कि जो गत्ते थे वही वहाँ पर पड़े थे। ही वुड नॉट स्टर्व यानी कि उसको लगा कि वो स्टर्व मतलब भूखा मरना यानी कि वह उसको लगा कि मैं भूखा तो नहीं मरूंगा। दैट वॉज वन कॉन्सोलेशन, उसको यही एक सांत्वना उस समय मिल रही थी कि वो भूखा नहीं मरेगा। ही पिक अप द एप्पल ही हैड ड्रॉप्ड एंड पुल अ क्रेट नियरर टू द डोरवे, ही पिक्ड अप द एप्पल, उसने वो सेब उठाया। ही हैड ड्रॉप, जिसने कि जिसको कि उसने गिरा दिया था। एंड पुल्ड अ क्रेट नियरर टू द डोरवे, और एक क्रेट यानी कि एक एप्पल के गत्ते को उसने खींच कर दरवाजे के पास लाया। सिटिंग डाउन, उसके ऊपर बैठ गया। ही टुक अ बाइट फ्रॉम द एप्पल, और उसने एप्पल से सेब का एक बाइट यानी कि एक टुकड़ा उसने लिया खाया। एंड स्टेयर्ड आउट द ओपन डोर, एंड जो दरवाज़ा खुला था उसकी तरफ घूरने लगा यानी कि देखने लगा। नाउ अगेन स्टूडेंट्स कम ऑन द पेज नंबर 49। ग्रीटिंग फ्रेंड एंड अ वॉइस फ्रॉम बिहाइंड एंड सूरज स्पन राउंड गल्टली हिज माउथ फुल ऑफ एप्पल। ग्रीटिंग फ्रेंड यानी कि अपने फ्रेंड्स को मतलब जैसे अभिवादन करना। सेड अ वॉइस, वहाँ से पीछे से आवाज़ आई। फ्रॉम बिहाइंड एंड सूरज स्पन राउंड गिल्टली यानी कि उसको लगा कि वहाँ से पीछे से कोई भी उसको विश कर रहा है, इस वजह से वो पीछे देखा और थोड़ा सा उछलते हुए गोल सा घूमते हुए उसको थोड़ा सा लगा कि कुछ अपराध बोध होता हुआ। हिज माउथ फुल ऑफ एप्पल, जबकि वो कुछ बोल नहीं पा रहा था क्योंकि उसका मुंह कैसा था, भरा हुआ था पूरा एप्पल से, उसने एप्पल खाया हुआ था इसलिए उसका मुंह फुल ऑफ एप्पल था, मुंह एप्पल से सेब से उसका मुंह भरा हुआ था। अ डर्टी ब्रेडेड फेस वॉज लुकिंग आउट एट हिम, अ डर्टी यानी कि गंदा, ब्रेडेड यानी कि दाढ़ी वाला फेस वॉज लुकिंग आउट एट हिम, एक दाढ़ी वाला और गंदा सा फेस उसको देख रहा था। फ्रॉम बिहाइंड अ पाइल ऑफ क्रेट्स, जो कि उस क्रेट्स के जो बिहाइंड जो पाइल था यानी कि ढेर था उसके पीछे से एक व्यक्ति जो गंदा और दाढ़ी वाला था उसको घूर रहा था। द माउथ वॉज ओपन वाइड, उसका मुंह एकदम खुला रह गया। पान स्टेन ग्रीन, मतलब एकदम वो कुछ समझ नहीं पा रहा था कि उसको क्या एक्सप्रेशन वहाँ पे दे, एकदम से वो सरप्राइज हो गया। और नमस्ते, उसने थोड़ा सा हेजिटेट करते हुए कहा नमस्ते। सेट सूरज अप्रिहेंसिवली यानी कि थोड़ा सा अपने आप को संभालते हुए उसने उसको नमस्ते किया। हु आर यू, उसने कहा आप कौन हो। द मैन स्टेप्ड आउट, जो आदमी था वो वहाँ से बाहर आया। फ्रॉम बिहाइंड द क्रेट्स यानी कि जो क्रेट्स थे उसके पीछे से वो बाहर आया। एंड कन्फ्रॉन्टेड द बॉय, और कन्फ्रॉन्टेड मतलब उसके आमने सामने जैसे यानी कि लड़के के सामने वह आ गया। आई विल हैव वन ऑफ दोज, आई विल हैव वन ऑफ दोज, मैं उसमें से एक हूँगा। टू ही सेड पॉइंटिंग टू द एप्पल, यानी कहा कि मैं उसमें से एक व्यक्ति हूँ। ही सेड पॉइंटिंग टू द एप्पल, मैं उसमें से ही एक व्यक्ति हूँ। सूरज गेव द मैन एन एप्पल एंड स्टूड हिज ग्राउंड वाइल द कैरिज रॉक्ड ऑन द रेल। सूरज गेव द मैन एन एप्पल, यहाँ पे ये लाइन थी आई विल हैव वन ऑफ दोज टू, यानी कि उसने सूरज से कहा कि मैं मुझे भी उसमें से एक एप्पल चाहिए। सूरज गेव द मैन एन एप्पल, सूरज ने मैन आदमी को एक एप्पल दिया। एंड स्टूड हिज ग्राउंड, और उसके सामने वह खड़ा हो गया। वाइल द कैरिज रॉक ऑन द रेल, जबकि जब उस समय जो मालगाड़ी का डिब्बा था वो रॉक्ड यानी कि वो पूरा बहुत तेज़ी से अपने रेल की पटरी पे दौड़ रहा था। द मैन टुक अ स्टेप फॉरवर्ड, जो आदमी था वो एक कदम
आगे आया, लॉस्ट हिज बैलेंस, अपना उसने संतुलन खो दिया, एंड सैट डाउन ऑन द फ्लोर, और वो फर्श पे बैठ गया। एंड वेयर आर यू गोइंग फ्रेंड, ही आस्क्ड, उसने पूछा कि मेरे दोस्त तुम कहाँ जा रहे हो। हैव यू अ टिकट, क्या तुम्हारे पास टिकट है। नो सेट सूरज, हैव यू, सूरज ने कहा नहीं नहीं मेरे पास तो नहीं, क्या आपके पास है। हैव यू, आपके पास है क्या। द मैन पुल्ड एट हिज ब्रेड एंड म्यूज्ड अपॉन द क्वेश्चन। द मैन पुल्ड टू हिज ब्रेड, यानी कि बियर्ड, उसने अपनी दाढ़ी को थोड़ा सा हिलाया, एंड म्यूज्ड अपॉन द क्वेश्चन, और थोड़े उसके क्वेश्चन जो प्रश्न था उस पर उसको थोड़ा आश्चर्य हुआ, बट डिड नॉट आंसर इट, लेकिन उसने उसका कोई उत्तर नहीं दिया। ही टुक अ बाइट उस फ्रॉम द एप्पल एंड सेड, उसने जो सेब का टुकड़ा था उसमें से एक निवाला लिया और कहा नो आई डोंट हैव अ टिकट, मेरे पास टिकट नहीं है, बट आई यूजुअली रिजर्व दिस कंपार्टमेंट फॉर माई सेल्फ, लेकिन मैंने इसको साधारणतः अपने लिए इसको रिजर्व कर लिया है, मेरे लिए ये डिब्बा में रिजर्व है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैड कंपनी, उसने कहा कि यह पहली बार है कि मेरे साथ कोई मेरा एक साथी भी है। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। आर यू हैप्पी लाइक मी, सॉरी आर यू अ हिप्पी लाइक मी, हिप्पी मतलब जो होते हैं ना जो इधर उधर घूमते रहते हैं उनके पास, जैसे भिखारी बेगर टाइप में, क्या तुम भी मेरी तरह हो, भिखारी हो। आई डोंट नो सेट सूरज, आई डोंट नो, उसने कहा मुझे नहीं पता। वेयर डज द ट्रेन गो, मुझे नहीं पता कि ट्रेन कहाँ जाती है। द स्क्रबी टिकटलेस ट्रेवलर, स्क्रबी टिकटलेस ट्रेवलर लुक्ड कंसर्न फॉर अ मोमेंट एंड सेड वेयर डू यू वॉन्ट टू गो। द स्क्रबी टिकटलेस ट्रेवलर, यानी कि जो वहाँ पे जो टिकटलेस यानी कि बिना टिकट के जो यात्री वहाँ बैठा था यानी कि वो बेगर, लुक्ड कंसर्न फॉर अ मोमेंट एंड सेड, उसको बड़े ध्यान से उसने देखा और उससे कहा, थोड़ी देर के लिए उसने बड़े ध्यान से उसको देखा और बोला वेयर डू यू वॉन्ट टू गो, तुम कहाँ जाना चाहते हो। आई वॉन्ट टू गो एवरीवेयर सेट सूरज, सूरज कहता है मैं कहीं हर जगह जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गो इंग्लैंड एंड चाइना, मैं इंग्लैंड जाना चाहता हूँ एंड चाइना, चाइना भी जाना चाहता हूँ, एंड अफ्रीका एंड ग्रीनलैंड, और अफ्रीका और ग्रीनलैंड भी जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गो ऑल ओवर द वर्ल्ड, मैं पूरी दुनिया में जाना चाहता हूँ। देन यू आर ऑन द राइट ट्रेन सेड द मैन, तब उस आदमी ने कहा कि तब तुम सही ट्रेन में हो। दिस ट्रेन गोज एवरीवेयर, ये ट्रेन हर जगह जाती है। फर्स्ट इट विल टेक यू टू द सी, यानी कि उसने कहा कि ये ट्रेन पहले तुम्हें समुद्र की तरफ ले जाएगी। एंड देयर यू विल गो, विल हैव टू गेट ऑन अ शिप इफ़ यू वॉन्ट टू गो टू चाइना, उसने कहा कि तो फिर तुम्हें वहाँ पे एक शिप यानी कि जहाज़ मिलेगी जो कि तुम्हें चाइना की तरफ ले जाएगी। हाउ डू आई गेट ऑन अ शिप, आ सूरज, सूरज पूछता कि मुझे कैसे, मैं शिप में कैसे पहुँचूँगा, सूरज ने पूछा।